दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट हर पार्ट को ये लगता है हर पार्ट ये फील करता है कि प्लांट का वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है द आर्ग्यूमेंट वेंट ऑन लाइक दिस आर्ग्यूमेंट इस टाइप से थी लीफ लीफ कहती है आई कवर ऑल द ब्रांचेस मैं प्लांट की सभी ब्रांचेस को कवर करती हूँ इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मी ये सिर्फ मेरी ही वजह से होता है ट्री लुक्स ग्रीन कि एक प्लांट जो होता है या एक ट्री होता है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है आई गिव शेड टू और मैं शेड भी देती हूँ छाया भी देती हूँ स्टेम स्टेम क्या कहती है नो आई एम द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट नहीं प्लांट का सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट पार्ट मैं होती हूँ आई ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिय टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट मैं प्लांट के सभी पार्ट्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हूँ ट्रांसपोर्ट करती हूँ फ्लावर्स, डोंट फोगेट माय ब्यूटी अब फ्लार्स क्या कहते हैं उन दोनों की आर्ग्यूमेंट सुन के लीफ एंड स्टैम की आर्ग्यूमेंट से फ्लार्स कहते हैं डोंट फोगेट माई ब्यूटी मेरी सुंदरता को मत भूलो पीपल एडमायर मी अलोट लोग बाग मेरी बहुत तारीफ करते हैं इट इज़ ओनली मी हु कैन बी यूज टू डेकोरेट द हाउसेज केवल मैं ही हूँ जो हाउसेस को डेकोरेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता हूँ मेक परफ्यूम्स मुझसे परफ्यूम बनाए जाते हैं और भी बहुत सारे यूज हैं मेरे फ्रूट्स एंड सीड्स ऑल्सो कम फ्रॉम मी सीड्स और फ्रूट्स भी मुझसे ही आते हैं मैं ही प्रोवाइड करता हूँ फ्रूट्स कहते हैं डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो पीपल विल ग्रो ट्रीज इफ इट डिड नाट बीअर फ्रूट्स अगर उनको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे तो क्या वो अपने यहाँ पे ट्री या प्लांट लगाएंगे नो पीपल ग्रो ट्रीज टू रैलिश इट्स फ्रूट्स पीपल प्लांट्स या ट्रीज सिर्फ फ्रूट्स का टेस्ट करने के लिए ही लगाते हैं जिससे कि उन्हें फ्रूट्स मिलते रहें ऑन हियरिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स द रूट विच वॉ स्लीपिंग अंडर द सॉइल उन सबकी आर्ग्यूमेंट सुनकर द रूट विच विच वॉज स्लीपिंग अंडर द सॉइल रूट कहती है जो कि सॉइल के नीचे सो रही थी मीन्स जो सॉइल के नीचे होती है ओके okay? तो रूट कहती है रेस्ड इट्स हैड अपना सिर उठाती है और कहती है इनफ ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स बस बहुत है आप लोगों का आर्ग्यूमेंट डो यू थिंक क्या तुम सोचते हो यू ऑल कैन सर्वाइव एवन फॉर अ डे क्या तुम एक दिन भी रह सकते हो इफ़ आई डोंट सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू यू अगर मैं एक भी दिन तुमको वाटर एंड मिनरल्स नहीं प्रोवाइड करूँ तो क्या तुम एक दिन भी रह सकते हो तो इस टाइप से इसमें जितने भी हमारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं लीव स्टेम फ्लावर्स एंड फ्रूट तो ये सब आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं ठीक है और सब ये सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन हूँ मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन हूँ ठीक है मेरी वजह से ही प्लांट है लाइक दिस ओके नेक्स्ट टीचर नाउ टीचर इज सेइंग ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ अ प्लांट सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है प्लांट की लाइफ के लिए ओके ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट इंपॉर्टेंट है सभी पार्ट्स का होना कंपलसरी है तभी प्लांट ग्रो करता है ओके आई शेल एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लांट मैं प्लांट के सभी पार्ट्स की इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करूँगी टाइप्स ऑफ प्लांट्स देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स थ्री टाइप्स के हमारे प्लांट्स होते हैं नंबर वन हर्ब्स ठीक है हर्ब्स क्या होते हैं द स्मॉल प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स वो सभी प्लांट वो बहुत छोटे प्लांट्स जिनकी बहुत सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन ठीक है जो थिन होती है बहुत पतली सी स्टैम uh, होती है दैट आर कॉल्ड हर्ब्स फॉर एग्जाम्पल तुलसी मिंट कोरिएंडर आपने ये प्लांट्स देखे होंगे तुलसी मिंट कोरिएंडर ओके okay? इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और इनकी जो स्टैम्प्स होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट ग्रीन एंड थीन होती हैं ओके सो दीज आर हर्ब्स नेक्स्ट नंबर टू श्रब्स द प्लांट्स विथ थिक वुडी स्टैम्प आर कॉल्ड श्रब्स वो सभी प्लांट्स जिनकी काफ़ी थिक और वुडी स्टैम्प्स होती हैं वो सभी स्टैम्प क्या होते हैं हमारे श्रब्स होते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल रोज हिबिस्कस कॉटन एक्सेट्रा ठीक है तो इस टाइप के जो हमारे प्लांट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड श्रब्स नेक्स्ट नंबर थ्री ट्रीज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स विद थिक वुडी ट्रंक्स आर कॉल्ड ट्रीज बहुत लंबे और मजबूत जो हमारे ठीक है स्ट्रॉन्ग जो प्लांट्स होते हैं जिनकी काफ़ी थिक और वुडी ट्रंक्स होते हैं ओके okay? काफ़ी मोटी और जिनकी काफ़ी घनी हैवी ट्रंक्स होती हैं लाइक अ स्टैम बहुत हैवी वुडी स्टैम्प्स हम कह सकते हैं उनको ठीक है तो बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं आपने देखे भी हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी काफ़ी थिक और वुडी ट्रंक्स होती हैं ओके सो दैट आर कॉल्ड ट्रीज फॉर एग्जाम्पल मैंगो पीपल नीम जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है ठीक है देखिए ये इस टाइप के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और देखिए इनकी काफ़ी कितनी थिक और वुडी स्टैम्प्स हैं वुडी ट्रंक्स होती हैं ठीक है तो इनको हम क्या बोलते हैं ट्रंक्स तो ये इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड ट्रीज क्योंकि ये काफ़ी बिग होते हैं और काफ़ी स्ट्रोंग भी होते हैं ओके नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अब देखिए प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं ये साइड में आपको देखिए इधर ये पिक्चर भी ड्रॉ करके दिखाई गई है ये एक प्लांट है और इसके कुछ पार्ट्स गिविन है ओके द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज नॉन एज द शूट प्लांट का वो पार्ट जो कि सॉइल के ऊपर होता है उसको हम शूट कहते हैं द शूट हैज स्टेम ब्रांचेज लीव्स बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट शूट पे कितनी सारी चीज़ें होती हैं देखिए पिक्चर में भी शो हुआ है ठीक है रूट के जो हमारा सॉइल जो हमारी नीचे सॉइल होती है उसके ऊपर वाला सारा पार्ट जो होता है शूट होता है और उस पर कितनी सारी चीज़ें होती हैं लुक हियर लीफ होती है फ्लावर्स होते हैं फ्रूट होते हैं स्टेम होती है ठीक है तो ये सब जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड शूट राइट right? रूट द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल वो वाला पार्ट जो सॉइल के नीचे ग्रो करता है ओके okay? सॉइल देखिए पिक्चर में भी नीचे सोयल के अंदर जो हमें ये विजिबल हो रहा है दैट इज रूट ओके सो सोइल के ऊपर वाला पार्ट जो होता है दैट इज शूट एंड सोइल के नीचे वाला पार्ट दैट इज रूट ओके रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स रूट्स टू टाइप्स की होती है नंबर वन टैप रूट इट हैज़ वन मेन थिक रूट टैप रूट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक मेन थिक रूट होती है जैसे कि फर्स्ट वाली पिक्चर में भी देख सकते हैं आप ये देखिए टैप रूट में ठीक है इसके बीच में देखिए ये एक मोटी थिक रूट दिखाई दे रही है ओके okay? सो so, टैप रूट में क्या होता है कि इसके बीच में मोटी थिक रूट होती है इन द मिडिल एंड मैनी स्मॉलर ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द सेंट्रल रूट और इसी की हेल्प से बहुत सारी ठीक है इसी से होते हुए बहुत सारी अराइजेज uh, हो जाती हैं बाकी की ब्रांचेज जो होती हैं ठीक है एग्जाम्पल मैंगो पीज रोज़ एक्सेट्रा तो आप देख सकते हैं कि मैंगो के ट्री में पीज़ के प्लांट में रोज प्लांट में ठीक है उनमें क्या होता है एक बीच में मेन थिक स्टैम होती है एक मेन थिक रूट होती है और उसी रूट से होते हुए काफ़ी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस अराइज हो जाती हैं ओके सो दैट इज टैप रूट नंबर टू फाइबरस रूट सेकंड वाली पिक्चर में देखिए फाइबरस रूट ठीक है इसमें क्या होते देखिए इट हैज मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ अ स्टैम इसमें एक पॉइंट होता है मिड पॉइंट होता है छोटा सा और उसी की हेल्प से बहुत सारी लिटरल ब्रांचेस अराइज हो जाती हैं यू कैन सी ही इन द पिक्चर फाइबरस रूट ओके सो टैप रूट में क्या होता है एक मेन थिक रूट uh, होती है और उसी की हेल्प से उसी के सपोर्ट से काफ़ी सारी ब्रांचेस अराइज हो जाती हैं और फाइबरस रूट में क्या होता है एक मेन पॉइंट होता है स्मॉल काफ़ी स्मॉल होता है और उसी की हेल्प से बहुत सारी ब्रांचेस अराइज हो जाती हैं ओके एज ग्रास आपने देखी है ओके अनियन राइस इनके जो प्लांट्स होते हैं राइट फंक्शंस ऑफ अ रूट अब देखिए रूट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं नंबर वन इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल ये क्या करती है कि प्लांट को बहुत अच्छे से मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से पकड़ के रखती है इट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट ये सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स लेती हैं जो जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ठीक है सॉइल से वाटर मिनरल्स लेके और प्लांट को प्रोवाइड करती हैं जिससे प्लांट को ग्रो करने में इजी रहता है नंबर थ्री सम रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एंड आर एटेन बाय अस कुछ रूट्स होती हैं जिनमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है ठीक है यानी कि कुछ रूट्स एक्स्ट्रा फूड अपने अंदर स्टोर करती हैं और जिनको हम खाते हैं ठीक है एज वेजिटेबल वेजिटेबल की फॉर्म में कौन कौन सी होती हैं लाइक कैरेट रेडिश टर्निप एक्सेट्रा ओके जैसे कैरेट है रेडिश है टर्निप है तो इस टाइप के कुछ वेजिटेबल्स हैं जो ये रूट्स होती हैं एक्स्ट्रा फूड इनके फॉर्म में स्टोर करके रखती हैं ओके सो स्टूडेंट्स वी हैव रेड द चैप्टर नंबर टू half chapter okay and half chapter we will complete in the next video so uh, till then take care and bye bye all of you